दोस्तों टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय आर्मी में भर्ती निकली है, इसमें आप फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और तैयारी कैसे करोगे, पेपर में क्या आएगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों। ये पेज आप देख रहे हैं, इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी है, इस आर्मी की इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं दोस्तों। जिसके फॉर्म है वो 20/7/2021 यानी 20 जुलाई से भरे जा रहे हैं और 19 अगस्त तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम की फ़ीस भी 19 अगस्त तक ही जमा होगी। तो फीस की बात करें दोस्तों तो ओबीसी और ईवीएस के लिए 200 रुपये लग रहे हैं, जनरल के लिए भी 200 रुपये लग रहे हैं और एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 200, यानी कि सभी के लिए बराबर पैसे लग रहे हैं। दोस्तों मैं फॉर्म भरता हूँ, अगर किसको ये फॉर्म भरना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर देना, आपका फॉर्म भर दूँगा। एज लिमिट बात करें दोस्तों तो 19/8/2021 तक मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 42 साल तक का जो व्यक्ति है वही ये फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। पोस्ट का नाम देखते हैं दोस्तों तो ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी है, यानी कि क्षेत्रीय आर्मी की है ना। किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि साइंस मैथ्स आर्ट्स, किसी में बीए साइंस आर्ट्स में तो बीए, साइंस में बीएससी और कॉमर्स में बीकॉम होनी चाहिए है ना। और इसके एग्जाम्स है ना वो लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, ये बाकी जो नाम है यहाँ पर आएंगे। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का इसमें तरीका बता रहा है, देखो अगर आपको जानकारी है फॉर्म की तो आप भर सकते हो और अगर आपको नहीं जानकारी है, अगर आपको फॉर्म भरना आता तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म भर देना, अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको फॉर्म भर दूँगा। दोस्तों इसमें पद फिक्स नहीं है, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है, बस उनकी क्राइटेरिया को पूरा करेगा। इसका सिलेबस बताता हूँ दोस्तों, सिलेबस क्या है, क्लिक यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसका सिलेबस खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें दो पेपर होंगे, पार्ट फर्स्ट और सेकंड रीजनिंग, और एक पार्ट फर्स्ट होगा इसमें, एक तो रीजनिंग आएगा और एक मैथ्स आएगी, सामान्य मैथ्स 2 घंटे का होगा, 50-50 नंबर का इसका होगा। दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज और इंग्लिश का, ये भी 2 घंटे होगा, इसमें 50-50 होगा। ये सिलेबस आप देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप निकाल लेना। रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या है ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मैथ्स के नॉर्मल है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स वगैरह है ना, और ये जो कोण आ रहा है इसमें, और इंग्लिश, ये देखो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ, तो आप यहाँ से देख लेना। दोस्तों फॉर्म भरवाना तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, मैं आपका फॉर्म भर दूँगा। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताएं, थैंक यू।